पार्वती, मैं अग्नि के मस्तक पर स्थित हूं और तुम सोम के। हम दोनों से ही ये अग्नि सोमात्मक जगत प्रतिष्ठित है, जगत के हित के लिए स्वेच्छा से शरीर धारण करके विचरण करने वाले हम दोनों में यदि सचमुच वियोग हो गया तो ये जगत ही निराधार हो जाएगा। पार्वती, ये जगत वाणी और अर्थ के संजोग से बना है। तुम वो वाणी हो और मैं उस वाणी का अर्थ हूं। तुम मेरे स्वरूप का बोध कराने वाली विद्या हो और मैं तुम्हारे द्वारा दिए गए विश्वासपूर्ण बोध से जानने वाला ज्ञान। केवल मैं इस सृष्टि का संहार और प्रलय नहीं करता, एकमात्र आज्ञा से ही संहार और प्रलय संपन्न होते हैं और वो गौरवपूर्ण आज्ञा तुम हो पार्वती। तो हम दोनों में खो देने की संभावना ही कहां है, और यदि खोया भी है तो हमने एक दूसरे को किसी और रूप में पाया है, किंतु उस रूप के मूल में तो केवल मैं हूं और तुम हो स्वामी। सर्वोपरि प्रेम शिव शंकर सर्वोत्तम प्रिय पार्वती सर्वश्रेष्ठ पति परमेश्वर शिव सदा सुहागन पार्वती। स्वामी, हमें बारंबार ये अनुभूति हुई है कि इस संबंध को बनाने में हमसे अधिक योगदान आपका रहा है। कभी क्षमा के रूप में, कभी धैर्य के रूप में, कभी प्रेम के रूप में, कभी साथ के रूप में, और आपके समक्ष तो हमारा योगदान निम्न मात्र है। इसके उपरांत आप इतने प्रसन्न कैसे हमारे साथ, सुखी कैसे हैं? क्योंकि मैं तुम्हें जो भी दे सकता हूं तुम उसे स्वीकार करते। तुमने मेरे प्रेम को उसके विविध रूपों में स्वीकार किया है पार्वती, सार्थक बनाया है तुमने उसे। और केवल यही नहीं, तुमने तो स्वयं अपने आप को समर्पित कर दिया है। तुमने एक वैरागी शिव को गृहस्थ शिव के जीवन से परिचित कराया है। ऐसे ही हो प्रेम पृथ्वी पर जैसे है शिव पार्वती। सर्वोपरि प्रेम शिव शंकर सर्वोत्तम प्रिय पार्वती। यदि तुम किसी से प्रेम करती हो तो उससे उसकी स्वतंत्रता कैसे छीन सकती है? प्रेम का पर्याय है विश्वास। यदि तुम व्यक्ति पर विश्वास करती तो तुम्हें उसकी स्वतंत्र इच्छा पर भी विश्वास करना चाहिए। तुमने आराध्य प्रेम के नाम पर, भक्ति के नाम पर वो सब किया जो प्रेम नहीं, अपितु प्रेम के विरुद्ध है, विपरीत नियंत्रण, वर्चस्व, पूर्ण अधिकार और नियमबद्धता, ये सभी लक्षण प्रेम के नहीं है अपितु प्रेम के अभाव के हैं। प्रेम के उचित अर्थ की जागरूकता ना होने का है। तो
क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां कुछ आवश्यक ही नहीं होता। कहां भटक रही हो तुम सब बन? प्रेम जोग किसे ढूंढ रहा है भ्रमित होके ये चंचल मन? सुनो छबीले, तुम भटक गए हो, रहा यहाँ से जाओ। नैनों के ये बाण यूं ही व्यर्थ ना चलाओ। गिरता है जब प्रेम के ऊपर कहीं कोई भी आवरण, आता हूं मैं उसे हटाने सिखाने प्रेम का व्याकरण। तुम्हारी करुणा से अत्यंत प्रसन्न हूं। त्रि दया और करुणा का प्रतीक हो तुम। अतः आज मैं सारे स्त्री वर्ग को आशीर्वाद देता कि मैं पुरुषों की अपेक्षा तुम्हारी पूजा से सहजता से प्रसन्न हो जाऊं। मैं ये वरदान देता हूं कि कोई भी स्त्री 16 सोमवार मेरी पूजा पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से करे, मैं उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करूंगा। और पुरुषों को यह पूजा अपने तप और कठिन परिश्रम से पूरी करनी हो। पति का यह सर्वोच्च धर्म है कि वो अपनी पत्नी को समकक्ष समझे और उन्हें सम्मान्य आदर और प्रेम प्रदान करे। वचन के बिना संबंध में स्पष्टता नहीं आती। संबंध की मर्यादा हम दोनों को भली भांति ज्ञात होनी चाहिए, इसलिए वचन आवश्यक है, नियम आवश्यक है। तो कहिए, हम प्रत्येक कार्य में साथ होंगे, परिस्थिति चाहे जो भी हो, हम में एकता होगी, हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, आप मेरे कुटुंब की रक्षा करेंगे, आप अपना दायित्व कभी नहीं भूलेंगे, आप मुझसे कुछ भी गोपनीय नहीं रखेंगे, आप मेरी हर बात पर विश्वास करेंगे, कभी संदेह नहीं करेंगे, सदैव मुझसे सत्य कहेंगे, आप केवल मेरे बनकर रहेंगे, मेरे साथ। और ये सभी वचन किसी भी परिस्थिति पे आश्रित नहीं। प्रभु, ये विवाह मुझे स्वीकार्य नहीं है। प्रभु, मैं मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण आपकी सेवा में समर्पित करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कोई भी संबंध मेरे भक्ति को विभाजित या बाधित करने का कारण बने। बंदी, विवाह तुम्हें मेरी भक्ति के लिए अयोग्य कैसे बना देगा? उसमें बाधा कैसे उत्पन्न कर देगा? माता, आपके और प्रभु के बीच में इतनी चुनौतीपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हुई, फिर भी आप दोनों स्थिर रहे, किंतु मेरे लिए यह संभव नहीं है माता, क्योंकि मैं अपने दायित्व के मार्ग में कोई भी विकर्षण सहन ही नहीं कर सकता। नंदी, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगे? पहले तो तुम केवल मेरे प्रति ही समर्पित थे, किंतु अब तुम मेरे साथ साथ पार्वती की भी आराधना करते हो।
क्यों? प्रभु, माता आपके अर्धांगनी है, आपकी पूरक, जिस प्रकार आप उनके पूरक हैं। आप माता के कारण आनंदित रहते हैं, उनकी उपस्थिति आपको प्रसन्नता देती है, अन्यथा आपको इतना हर्षित उनसे पहले मैंने कभी नहीं देखा है। फिर कुमार कार्तिकेय का जन्म, अशोक सुंदरी का जन्म, और फिर हमारे गणेश का जन्म। प्रभु, इस प्रकार मैंने कैलाश को पूर्ण होते हुए देखा है, और यह सब माता के कारण ही हुआ है। प्रभु, जिस कैलाश में आप वास करते थे उसे माता ने निवास बना दिया, इस कैलाश को संपूर्ण कर दिया। अर्थात? अर्थात व्यक्ति की पूर्णता हेतु विवाह आवश्यक है नंदी। जैसे स्वामी और हम एक दूसरे के पूरक हैं, उसी प्रकार तुम्हारी अर्धांगिनी और तुम एक दूसरे के पूरक बनोगे। विवाहित जीवन की अनुभूति, परिवार का सुख, उसके सुख और उसकी सुरक्षा के लिए संघर्ष, ये सभी अनुभूतियां व्यक्ति के विकास के लिए अनिवार्य है नंदी। किंतु प्रभु, मेरी स्वतंत्रता? स्वतंत्र तो वो नहीं है नंदी जो विवाह के विचार से भयभीत तो होते हैं या संकोच करते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता तो वो है जो किसी भी विचार से प्रभावित ना हो, किसी भी सुख, किसी भी दुख से प्रभावित ना हो। और जो व्यक्ति इतना तटस्थ हो, जागरूक हो, उसकी स्वतंत्रता को तो विवाह से भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। और फिर क्या गणेश, कार्तिकेय और अशोक सुंदर, ये सभी विवाह उपरांत परिवर्तित हो गए? क्या उनका विवाहित होना उनकी भक्ति और उनके समर्पण में बाधा बन गया नंदी, उनकी स्वतंत्रता में बाधा बन गया? क्या अपने माता पिता के प्रति उनका प्रेम और उनका सेवा भाव घट गया नंदी? फिर मेरे एक और पुत्र को ये चिंता क्यों? ये भय क्यों नंदी?